लोग साहबा की जिंदगी कैसी थी? साहबा की जिंदगी तो 6 महीने पहले से तैयारी होती थी, हमदान 6 महीने पहले से जो ना अपने आप को सब जकात निकाल लेते थे, हर चीज कर लेते थे, बिजनेस सब प्लान कर लेते थे 6 महीने पहले। हम 6 दिन पहले भी निकलते, 6 घंटे पहले भी निकलते। हम रमजान के एंड में आने के बाद 30वें रोजे पे क्या करते हैं? हम 30वें रोजे पे क्या करते हैं? अलविदा अलविदा माह रमजान हमारी जो ना जबानों से निकाल। मोमिन की जिंदगी क्या, साहबा की जिंदगी, साहबा तो बहुत आला मुकाम है, और ईमान वाले की क्या होना है कि एक एक दिन जाता है तो अलविदा अलविदा बोलना अल्लाह तआला। मतलब मौला की बारगाह में गमगीन होना, मौला एक दिन चले गया आज, आज मतलब एहतसाब यही है। एहतसाब क्या है? अपने आप की जो है ना देखना कि मैं मौला का दिया हुआ जो अमानत है, मौला की जो मिल्क है, मौला का जो वक्त है, अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करा, अपनी मर्जी कितनी रखा, मौला की मर्जी कितनी। ये एहतसाब पहले दिन करना था, दूसरे दिन करना था, तीसरे दिन करना था। तो अब ये जैसा फैसल मौला अच्छी तरह बताया कि ये महीना एंड में, अभी महीने में हमें क्या करना है, मायूस नहीं होना है, अब हमें ये महीने को और अच्छी तरह यूटिलाइज करना है, क्योंकि अभी अल्लाह ताला की तरफ से एहसासात है, ये एहसास का मालिक भी अल्लाह ताला है। ये दिल में जो बातें आ रही है, ये दूसरों की तरफ से बातें आ रही है, अपनी तरफ से बात आ रही है, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि हमें फिर एहसास दिला रहे हैं अल्लाह ताला कि हमें कम वक्त रहने के बावजूद भी अल्लाह ताला की तरफ से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो बात पहुंच रही है, बार बार हमारी तस्दीक हो रही है कि हमें हमारे जो अल्लाह के दिए हुए वक्त को कैसा इतना अच्छी तरह इस्तेमाल करना है।